और वो हमेशा कहाँ से हुई है, सिंध के ही रास्ते, क्योंकि एक ही वो रास्ता था जो थल मार्ग था। जल मार्ग से तो वास्को डी गामा भारत आया था, थल मार्ग से आने का वही एक अकेला रास्ता था। भारत का और ईरान अर्थात फारस का जो संबंध है वो बहुत प्राचीन था, व्यापारिक रिश्ते भी थे और सांस्कृतिक रिश्ते भी थे। जो फारस के लोग थे अर्थात फारसी, वो लोग भारत को सिंधु के नाम से जानते थे, लेकिन वो सिंधु नहीं बोलते, वो क्या बोलते थे, हिंदू, क्योंकि फारसी में सा नहीं होता है, सा की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो जो ईरानी थे अर्थात फारसी, वो इस सिंधु नदी को सिंधु के नाम से ही जानते थे, बट सा की जगह क्या यूज करते थे, हिंदू, तो वो इसे हिंदू देश ही कहते थे, हिंदू देश ऐसा इसे कहा जाता था, वो यही बुलाते थे। तो पहले सिंधु से हिंदू हुआ, फिर हिंदू का हिंद हुआ, अर्थात जो हिंद में रहते हैं अर्थात सिंधु के वासी, हिंद हुआ, और फिर हिंद में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो ये इस प्रत्यय के जुड़ने से क्या बन गया, हिंदी। तो वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर क्या बोलेंगे, फारसी भाषा का शब्द है। यानी ये कुछ इस तरीके से है, ये फारसी भाषा का शब्द है, यानी जो आप हिंदी बोलते हो वो हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। ये कुछ इस तरीके से है कि जन्म हुआ आपके घर में बच्चे का और नामकरण किसी दूसरे घर का आदमी कर रहा हो, अर्थात भाषा तो अपनी है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं, पर इस भाषा को जो नाम दिया गया है हिंदी, वह हिंदी का नहीं, अपनी नहीं है, वो विदेशियों के द्वारा दी गई एक शब्द है, और उनमें से फारसी भाषा का ये शब्द है। जैसे उर्दू भी एक शब्द है, उर्दू जो शब्द है, उर्दू पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो दुनिया में उर्दू बोलने वाले लोग ज़्यादा कहाँ थे, इंडिया में, और उर्दू का जन्म भी यही हुआ है, और पूरी दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोला जाता है। परंतु ये उर्दू भी नहीं, बांग्लादेश वाले उर्दू नहीं बोलते, एक बात ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेशी उर्दू नहीं बोलते, क्योंकि इसी भाषा को लेकर ही तो विवाद हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, क्योंकि जो उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें एक तरफ से लोग कहते थे जो इधर लाहौर और कराची वाले थे कि आप उर्दू बोलिए, उर्दू अरबी बोलिए, और जबकि इधर बांग्लादेश में रहने वाले लोग जो थे वो अपना बंगाली भाषा बोलते थे, तो उन्होंने कहा हम बंगाली बोलते हैं तो हम उर्दू क्यों बोले, दूसरे की भाषा हम पर नहीं थोप सकते, आप हम पर अरबी नहीं थोप सकते, हम उर्दू बंगला बोलते हैं, बंगला बोलेंगे, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है। इसी को लेकर विवाद हुआ था, तभी युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और फिर पाकिस्तान उत्तरी पश्चिमी दो अलग अलग देश बन गए। सो ये याद रखिएगा, जो उर्दू शब्द है ये उर्दू भी उर्दू का नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, तुर्की भाषा का शब्द है। तो उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है और हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है, और ऐसे इसका जन्म हुआ है। जो राष्ट्र प्रेमी है अर्थात हिंदी प्रेमी, वो लोग हिंदू और ये हिंदी शब्द को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो विदेशी थे उनका दमन करने वाला, हनन करने वाला कौन कहलाता है, हिंदू कहलाता है। जो प्रेमी है मतलब भाषा प्रेमी, उसे इस तरीके से कहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका यही एक प्रमाण है कि एक्चुअल में हिंदी जो शब्द है वो नेटिव नहीं है, यह शब्द दूसरे फारसी भाषा के शब्द से लिया गया है। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। इसके बाद है कि भारत में कितने प्रकार के भाषाई परिवार रहते हैं। तो भारत में जो भाषाई परिवार है उसमें चार प्रकार, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कितना भाषा परिवार भारत में है, तो उसका उत्तर है चार। पहला कौन सा है, भारूपीय, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसमें उत्तर भारत भी आता है और ये आपका पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जो ये पूरा क्षेत्र है ये सब किस में आता है, भारूपीय इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आता है। तो जो हम भाषा परिवार वाले हैं 73% वो क्या हैं, भारूपीय हैं। 25% द्रविड़ियन है, द्रविड़ में कौन आते हैं, दक्षिण भारत वाले, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम यही सब आते हैं लैंग्वेज, हाँ बंगाली तो दूसरी तरफ चले गए ना, वो इधर की बात करो अपने इंडिया की। तो द्रविड़ में किसको लेना है, 25% ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ याद रखिएगा, तमिल साहित्य आपके हिंदी साहित्य से पर प्राचीन है और ये पूर्ण विकसित साहित्य है, और तमिल साहित्य के प्रश्न ज़्यादातर आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो दक्षिण भारत का है वो विशुद्ध रूप से अभी भी स्वच्छ वैसे ही है जैसे सदियों पहले था, क्योंकि भारत पर जो हमले हुए, ज़्यादा विध्वंस जहाँ पर हुआ है वो उत्तर भारत का हुआ है,
क्योंकि पंजाब और सिंध के रास्ते ही एक ऐसा रास्ता था जिससे भारत में आप प्रवेश कर सकते थे। कोई भी आक्रमणकारी विदेशी अगर भारत में एंट्री किया है तो इसी रास्ते से एंट्री किया है। इसलिए उत्तर भारतीय लोग अपने आप को ज़्यादा भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति, कला, साहित्य सब भटक चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय अभी उससे क्या हैं, बचे हुए हैं, क्योंकि वो अंत में थे। तो वहाँ का कल्चर और यूपी का कल्चर, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत अंतर है। भाषा को लेकर के भी अंतर है, पहनावे में भी, खान पान में भी, और उसके कई कारण हैं। केवल आक्रमण ही नहीं, जलवायु भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है। तो भारत में चार भाषा परिवार है, उसमें भारूसीय सबसे बड़ा भाषा परिवार भारूपीय है, जो 73% है। दूसरा 25% है द्रविड़ियन है। द्रविड़ियन में मैंने आपको बता दिया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब बोलने वाले लोग किस में आते हैं, द्रविड़ में आते हैं। ऑस्ट्रिक 1.3 जो जनजातीय हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ इधर उधर रहने वाले छोटे छोटे जो द्वीप भारत के, वहाँ रहने वाले लोग क्या हैं, ऑस्ट्रिक हैं। चीनी तिब्बती 0.7% है, ये वो हैं जिनका तिब्बत कभी एक देश हुआ करता था, चीन ने इन पर हमला किया और ये वहाँ के बुद्धिस्ट जो निवासी थे तिब्बत के, वो भाग कर भारत में चले आए और भारत सरकार ने उन्हें शरण दिया और वो भारत में बस गए, उन्हें नागरिकता भी दे दी गई है। ऐसे चीनी तिब्बती लोग बोलने वाले, भाषी भाषा बोलने वाले कितने परसेंट हैं, 0.7%। तो भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, चार भाषा परिवार है। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं ऐड हैं, 22 भाषाएं, और बोलियां कितनी हैं, 24, याद रखिएगा, बोलियां 24 और भाषा 22। अब इसके बाद में चलते हैं कि अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा देशज है और कौन सा विदेशी में, तो उसमें से याद रखिएगा अरबी या फारसी जो शब्द पहचानना हो कि ये अरबी है कि फारसी, तो उसमें ध्यान में रखिएगा ये जो नीचे बिंदु लगा होता है ना, नुक्ता, ये जो चिन्ह लगा होता है, ये जिसमें भी लगा रहेगा वो समझ जाइए कि अरबी या फारसी का शब्द है। और जिसके ऊपर अर्धचांद लगा रहेगा ऐसे, ये अर्धचांद वाला, वो कहाँ किस भाषा से आया हुआ है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। तो ये अरबी फारसी से पहचान ये है, और अर्धचंद्र बिंदु वाले जो होते ज़्यादातर वो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। और चार भाषा परिवार है आपको, सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी आपको बता दिया गया, फारसी, उर्दू, ये कंप्लीट। अब इसके बाद आता है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, अपभ्रंशों से। प्राचीन हिंदी का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश के बाद की जो टूटी हुई भाषा उसका नाम क्या है, आवाहट है। और भी लंबी प्रक्रिया, बट वहाँ नहीं जाना हमें, ठीक है। हिंदी को कितने वर्गों में मैंने कल बांटा था, चार, अध्ययन की दृष्टि से उसमें चार बना दिए थे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। जो उसमें अपभ्रंश भी थे कि कौन अपभ्रंश से कौन आया है, सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश, और कौन था वो, अर्धमागधी, मागधी और मगधी। आज हम लोग सीखेंगे भाषा क्या चीज़ होती है। कल भी मैंने बोला था कि भाषा वास्तव में भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, सही है। भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, लेकिन अगर एग्जाम में टीईटी में कई बार एक क्वेश्चन आया कि भाषा का अर्थ क्या होता है, तो भाषा का अर्थ क्या है, बोलना, इसे याद रखिएगा। भाषा विकास का क्रम क्या है, यानी भाषा कैसे विकसित हुई, तो उसका पहला स्टेप क्या है, ध्वनि। सबसे पहले ध्वनि या वर्ण का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या बने, अक्षर, फिर अक्षरों से क्या बनते हैं, पद, और फिर पद से मिलकर क्या बनता है, और वाक्य के अंदर क्या क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कर्म, और भी होता है वाच्य, बहुत कुछ होता है। इस पर हम लोग अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता था टीटी से कि भाषा निर्माण का सही क्रम क्या है, भाषा निर्माण का सही क्रम क्या है, ये यूपीटेट में पूछा गया है। तो भाषा निर्माण में सबसे पहले क्या आएगा, ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, और फिर, तो ये भाषा निर्माण का सही क्रम है। कई बार एग्जाम में इस क्रम को मेंटेन करने के लिए चार ऑप्शन रहता है, उसमें से यही सही रहेगा, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। जी, वर्णमाला क्या है, अगर पूछा जाए वर्णमाला क्या है तो क्या उत्तर देंगे आप, वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो उसके उत्तर हैं अलग अलग। एक है उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, 45 वर्ण हैं। और एक है लेखन, लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं,
52 अगर एग्जाम में आया कि वर्णमाला नहीं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो उसका क्या उत्तर करेंगे? 52 वर्ण आंसर करिएगा, 45 वर्ण मत करिएगा, क्योंकि 52 को ही सही माना जाता है और यूपीएससी के आंसर में कई बार इसी को सही माना गया है, इसलिए इसका आंसर 52 ही लिखिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं भाई? 52 यही सही रहेगा, लेकिन ये किस आधार पर है? लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 45 वर्ण हैं। इन 45 वर्णों में कितने स्वर और कितने व्यंजन? 10 स्वर और 35। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अगर मेंशन करके ही पूछा, मेंशन करके पूछा कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, तब आपको उत्तर देना पड़ेगा 10, और उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन हैं, तो उत्तर होगा 35। लेकिन जब शब्द ये लिख देगा उच्चारण के आधार पर, तभी ऐसा करिएगा। अगर केवल और केवल ये पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं, तब आप वहाँ पे 45 नहीं 52 बोलेंगे आंसर। लेकिन अगर मैंडेटरी लिख के दे दिया उच्चारण के आधार पर, तो 45 बोलिएगा। जानकारी स्पष्ट हुई? लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने हैं? 52। इन 52 में से मूल स्वर कितने हैं? 11। ये एग्जाम का आंसर है, बट वैसे टोटल स्वर कितने हैं? 13। दो ऐसे स्वर हैं आ हा, ये मूल स्वर में नहीं आता। मूल स्वर कितने हैं? सिर्फ 11। अर्थात एग्जाम की दृष्टि से अगर आपको सही टिक करना है तो 11 ही उत्तर देंगे। मूल व्यंजन कितने हैं? 35। यानी इन 52 में से 35 व्यंजन मूल व्यंजन की श्रेणी में आते हैं लेखन के आधार पर। परंतु परीक्षा में अगर पूछा कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो उसका उत्तर होगा 33। ये सही आंसर है, आप 35 नहीं बोलेंगे, क्योंकि द्वि व्यंजन यहाँ पे जो दिख रहे हो ना, अड़ा और ढा, इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन? तो अड़ा माने कुछ नहीं, ढा माने ढफली, ये तो होता है। अड़ा माने कुछ नहीं, ढा माने ढफली। तो ये जो दो है ना, ये द्विगुण व्यंजन है, इन्हें व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एग्जाम में करेक्ट आंसर कितना लिखेंगे? 33। तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, उनमें से मूल व्यंजन कितने रहेंगे? 33। और मूल स्वर कितने होंगे? 11। और संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? एग्जाम में कई बार पूछता है कि छा किससे मिलकर बना हुआ है, तरा किससे मिलकर बना है, ज्ञा किससे बना है, सरा किससे बना है। ये सब डमरू का कमाल है शिव जी के, वहाँ से बना हुआ है, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। पहले इसे देखिए, जो छा लिखा हुआ है इसमें क्या क्या जुड़ा रहेगा? का, देखो ये का के नीचे हलंत लगा हुआ है, बात ध्यान से समझिएगा। का के नीचे हलंत प्लस पट चिरवा सा, बराबर क्या बनेगा? छा। और तरा में क्या रहेगा? ता, ता में हलंत लगा होना चाहिए, आधा ता, और रा बन गया तरा। और ज्ञा किससे बनेगा? जा और इया से, लेकिन जा में नीचे हलंत लगा के रखेंगे और तब बनेगा ये ज्ञा। और सरा किससे बनेगा? सा और रा से, सा के नीचे हलंत लगाएंगे। क्या नहीं समझ में आया? का और सा से छा बन गया। हेलो हेलो, परीक्षा में आपको नंबर चाहिए ना, कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जानकार बनना है, कोई जरूरत नहीं पूछने की। जो है वो है, अगर छा है तो छा है, का सा रहेगा तो का सा रहेगा। इसके डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके एक एक अक्षर कहाँ से आप पूछ लोगे, छोटा कहाँ से आया था। अब क्वेश्चन तो बन सकता है ना, अब आप पूछ ले छोटा कहाँ से आया, तब तो मास्टर साहब का भेजा घूम जाएगा, वो जावे अब हिंदी साहित्य में घूमे, फिर वहीं से आएगा अंत में कि शिव जी के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली हैं उन्हीं में से छोटा बड़ा छोटी बड़ी का खा गा गा आया। हाँ, वहीं से जितने बार बजेगा उतने प्रकार के ध्वनि निकलेंगी। ठीक है, शिव तांडव स्रोत पढ़िए, उसी में से ये सब है। तो फिलहाल ये चार संयुक्त अक्षर हैं, चारों में से छा बनेगा का और सा से, तरा बनेगा ता और रा से, और ज्ञा बनेगा जा और इया से, सरा बनेगा सा और रा से, और जो पहले अक्षर आपको दिख रहे हैं इन सब में हलंत लगना चाहिए। एक बार एग्जाम में पूछा था कि श्री संयुक्त अक्षर है कि नहीं, तो इसका उत्तर है नहीं, श्री नहीं, स्रा है, श्री नहीं है, ये संयुक्त अक्षर में नहीं आता।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो अब इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अर्थात TET के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी के सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो क्रम है, भाषा का अर्थ क्या है, बोलना, भाषा का क्रम क्या है, पहले वर्ण या ध्वनि, उसके बाद अक्षर, फिर पद और फिर वाक्य, और वाक्य के आधार वाक्यों में ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। भाषा निर्माण का क्रम क्या है, पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य। और हिंदी वर्णमाला में क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उत्तर होगा 52, लेकिन अगर पूछा उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं तो होगा 45। अब 45 वर्णों में 10 स्वर और 35 व्यंजन है, लेकिन उच्चारण के आधार पर। सामान्य तरीके से पूछा सिर्फ वर्णमाला में कितने स्वर, तो आंसर होगा 11, और व्यंजन कितने, आंसर होगा 33, और संयुक्त अक्षर कितने, 4, किससे मिलकर बने हैं वो भी स्पष्ट है। ये जो डा और ढा लिखा हुआ है ये कौन सा व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। अरबी फारसी वाले अक्षरों में नीचे क्या रखा रहेगा, नुक्ता, अंग्रेजी के ऊपर वाले में चांद बिंदी लगा रहेगा, ये पहचान है, अर्ध चांद बिंदी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।